जाना। चलो उधर पर खड़े रहना, ये मैं तुझे जा रहा हूं, ये इनकी जिंदगी खत्म करे। एवरीवन एक मिनट कैमरा साफ कर देती हूँ। हाँ तो अभी क्लीन हो गया है। अभी हम गए थे घूमने फील्ड में, हमें पता नहीं था कि आज से मेला स्टार्ट हो गया होगा, तो वहाँ पे हल्की फुल्की भीड़ लगी हुई थी। हमने हनी को कहा अब आ ही गए हैं तो किसी चीज़ में बैठना, तो बैठ ली। बट हनी डरपोक है, डरपोक ही रहेगा, कभी नहीं बैठने वाला किसी चीज़ में। और लोगों के बच्चे रो रहे हैं इस वजह से कि उनके मम्मी पापा उनको बैठा नहीं रहे हैं चरखी में या फिर किसी भी चीज़ में जो बच्चों के लिए होते हैं छोटे छोटे से। और हम इसलिए परेशान हैं कि हमारा बेटा किसी चीज़ में नहीं बैठ रहा है। और वो मिकी माउस वाला फिसलन जो होता है बच्चों के लिए, वो तो सबसे अच्छा है यार। ये इसमें भी नहीं बैठा, कह रहा कि मम्मी वो मुझे खा जाएगा। पता नहीं इतना डर तो फिर बैठे क्यों नहीं, बस इस। हाँ ठीक है चलो चलो, इसका एक ही जवाब है, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तब बैठूँगा। तो पता नहीं कब ये इतना बड़ा होगा। और इतनी डर है इस लड़के के मन में, मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब लोगों के बच्चे जिद कर रहे हैं अपने मम्मी पापा से कि मम्मी पापा हमें बैठाओ, क्योंकि ये बचपन है यार, है ना। इसमें इंसान सोचता नहीं है कुछ चीज़ें और इंजॉय करता है। बट हाँ मुझे इस बात का दुख है, हमें इस बात का दुख होता है कि हमारा बेटा किसी चीज़ के लिए हाँ नहीं बोलता, उसी में बज रहा है, सब चीज़ के लिए वो डरता है। और अभी हम वापस आके सुन ले चरखी में बज रहा है, और उसके पापा भी आटा वगैरह और चीज़ें लेके आ रहे हैं। मैंने कहा थोड़ी देर छत पर चलते हैं, क्योंकि आज हम घूमे भी नहीं और फील्ड में मन नहीं कर रहा था घूमने का, क्योंकि वहाँ पे आज से मेला स्टार्ट हो गया हल्का फुल्का, तो ठीक नहीं लग रहा था। मैंने कहा वापस चलते हैं, धूल भी बहुत ज़्यादा थी और वैसे भी सर्दी जुकाम है, और सड़क पे ज़्यादा घूम रहे हैं, सड़क पे चल रहे हैं तो पैरों में दर्द हो रहा है, इसलिए हम फील्ड में जा रहे थे। और कल से तो हम सड़क ही पे जाएंगे घूमने, क्योंकि फील्ड में तो शायद आई थिंक 30 तक, शायद पता नहीं कब तक होगा, मेला है। तो थोड़ी देर वॉक करते हैं यहाँ पे, और ये दौड़ने की लगाई थी, शादियाँ हो रही थी। ये वही वाला गेट है जहाँ पर मैंने आपको दिखाया था, खिड़की से हल्का सा दिखता है, क्योंकि देखो नीचे हमारा रूम है और यहाँ पे मकान इतनी इकट्ठी हैं तो दिखता नहीं है, और छत से बिल्कुल क्लियर दिखता है। तो मैं सोच रही थी मैं भी चली जाऊँ छत पे देखने के लिए, बारात यहाँ पे डांस कर रहे थे लोग, बट हनी ने मुझे बाहर ही नहीं आने दिया, तो हर चीज़ से डरता है। वहाँ फूट रहे थे और ही अंदर के एक रूम में डर रहा था, कह रहा था मम्मी नहीं वहाँ पर पटाखे फूट रहे हैं। पता नहीं क्यों इसके मन में इतना ज़्यादा डर है, हर चीज़ को लेकर इसके मन में डर है, हर चीज़ को लेकर। डर होना सही है, लेकिन बहुत ज़्यादा डर होना भी कोई अच्छी बात नहीं है। और ठीक है, हल्का फुल्का डर तो हर किसी के मन में होना चाहिए, क्योंकि डर होगा तो इंसान हर चीज़ से संभलेगा। और बट इतना ज़्यादा भी नहीं कि ये मतलब उसको हर चीज़ फेयर है, तो ये तो नहीं हो पाएगा। हाँ ये देखो, हाँ बैठ सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं। और यहाँ पे बहुत बड़ा पेड़ है इसलिए फील्ड दिखाई नहीं दे रहा है, इतना बड़ा पेड़ है इसलिए फील्ड दिख नहीं रहा है, यहाँ से हल्का सा दिखाई दे रहा है। और लोग चरखी में बैठे हैं, हल्ला हो रहा है बहुत ज़्यादा वहाँ पे, तेज थे मम्मी तब उसके आधे जाते पूरा फिर दिखाई देता है अच्छे से। हाँ फील्ड तो आगे जाके दिखाई देता है ना, तब पीछे जाते तब नहीं दिखाई देता है। हाँ देखो पता पे ये, लेकिन आप किसी चीज में क्यों नहीं बैठे, इतना डर क्यों लगता है भाई? मैं बड़ा होके, अच्छा बड़ा होके बैठेगा, ठीक है तब देखते कब तू बड़ा होता कब तू बैठेगा। हमने इसको बोला आइसक्रीम खानी, आइसक्रीम खा ले, इसने सब चीज के लिए वहाँ पे मना किया, नहीं अब नहीं। फील्ड में मना क्यों किया, तो फिर रहने दो, अब नहीं अब कोई आइसक्रीम नहीं मिलेगी, जहाँ पे बोलते हैं वहाँ पे खाया करो, नहीं अब कुछ नहीं, अब तूने मोमो मंगाए हैं मोमो खा लेना, ओके ठीक है। मोमो भी अच्छी चीज़ होती है, कोई अच्छी चीज़ नहीं है, वो भी अच्छी चीज़ है। खाना खाओ, खाना नहीं खा रहा ये बिल्कुल भी नहीं, खाना तो सर्दी जुकाम से मेरी पूरी आवाज़ इतनी गंदी हो गई ना, आवाज़ ही नहीं निकल रही, पूरे गले में मेरा दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है पूरा गला रगड़ गया होगा भाई, इतना ज़्यादा बुरी हालत है मेरी। रात को बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, अभी दिन में तो पता नहीं चल रहा है,
बट रात के टाइम पे बहुत गंदा वाला फील हो रहा। कल हनी का स्कूल है मंडे, तो कल फिर इसका वही ड्रामा होने वाला है स्कूल से, क्योंकि 4 दिन की छुट्टी थी, फिर वही दिक्कत। तो चलिए थोड़ी देर घूमते हैं, फिर नीचे जाएंगे। और सूज पहने हैं, सूज भी अभी मैंने पहन के रखे हैं, वैसे हम ऊपर आ गए थे। तो बहुत प्यारी सी हवाएं चल रही हैं यहाँ पे, ठंडी ठंडी सी, और मच्छर इतने ज़्यादा हो गए, बाप रे। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं इस मकान पे, लोग बोल रहे थे, क्योंकि यहाँ पीछे है आम का पेड़ और आम के पत्ते नीचे गिरते हैं और नीचे पत्ते सड़ जाते हैं, जिस वजह से मच्छर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे होते हैं। तो बड़ी दिक्कत होने वाली है। कोई नहीं है, वो लोग बैठे हैं अपने छत पे। हाँ, भूत ही है, ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी आज है मंडे, एक सेकेंड, तो आज है मंडे और हनी अभी स्कूल जा चुका है। 8 बजने के लिए 10 मिनट चाहिए थे, तो मैंने उसको 7:50 पे ही भेज दिया, क्योंकि वो कह रहा मम्मी मैं फिर पीछे बैठ रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा हनी अब खुश होके जा रहा है और खुद ही कह रहा है पापा जल्दी चलो लेट हो जाएगी ये वो सो, तो बहुत खुशी होती है यार। उसने मतलब यहाँ वाले स्कूल में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करी, 1-2 दिन रोया वो बस, वो भी हल्का सा। और उसको स्कूल भेज दिया, मेरी तबीयत ठीक भी है, नहीं भी है, जुकाम से थोड़ा वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है और गले में दर्द है, बट सरदर्द ठीक है, सरदर्द नहीं हो रहा है। और उसके पापा उसे छोड़ने गए हैं और चावल बना दिया, मैंने सोचा वो खाएगा, बट उसने खाया नहीं, सुबह वो कुछ भी नहीं खा रहा है। और अब बनाऊँगी मैं कढ़ी बनाऊँगी आज, तो थोड़ी देर में बनाऊँगी 8:30 पे जब ये आ जाएंगे, क्योंकि इनको भी ऑफिस जाना है। तो मैंने कहा चलो वीडियो शुरू कर लेती हूँ, वीडियो तो कल से शुरू है वैसे, और गला दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा, तो थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, शांति होगी। 4-5 दिन से परेशान कर रखा था हनी ने कुछ ज़्यादा, मतलब बहुत परेशान कर रहा हूँ घर पे रह के, मतलब कहना ही नहीं मान रहा था। और बुरा तो बहुत ज़्यादा लगता है जब बच्चा स्कूल या कहीं भी चले जाए सुनसान, तो अच्छा नहीं लगता घर पे, है ना। बट कोई बात नहीं, मेरा बच्चा खुश होके गया और उससे बड़ी खुशी की बात और कुछ हो ही नहीं सकती है। तो चलिए मैं थोड़ी देर में आप लोगों से फिर बात करूँगी। तो उसके पापा भी आ गए हैं, तो चलिए ये देखिए बना दी मैंने कढ़ी, बन रही है, मतलब अभी कितनी सुंदर लग रही है दही की कढ़ी। ये देखो इसमें हरा धनिया, बहुत ही सुंदर। और हनी के पापा गए हैं नहाने, तो बस इसको थोड़ी देर उबलने देते, पकने देते हैं, फिर ये रेडी हो जाएगा। चावल ही बन चुके हैं, यहाँ पे ये हरी सब्जी है, तो खाना ऑलमोस्ट रेडी है। पड़ गए इतनी ज़्यादा मेरे को गर्मी हो गई है। और यहाँ पे देखो हेडफोन मेरे ऐसे टका हुआ था, क्योंकि मैं अभी तक वो सुन रही थी, क्या कहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता सुन रही थी यूट्यूब पे, और सुन तो कपड़े धोते धोते सुन रही थी, और क्या कहते हैं, हाँ कपड़े कपड़े धो दिए हैं, चाय थी, मैं चाय गर्म करके लेके आई हूँ, ये देखिए। साथ में मैं खाऊँगी बिस्किट, खाना मैंने अभी नहीं खाया, मतलब चावल अभी नहीं खाया, जब मेरा हनी आएगा उसके साथ ही मैं खाऊंगी। और काम सारा हो गया है, 11:15 हो चुका है, तो 11:30-11:45 तक मैं यहाँ पे से जाऊंगी। और अभी काफ़ी टाइम है, तो साथ साथ टीवी भी लगाई है मैंने, और
और आप लोग भी अगर स्ट्रेस रहते हो, आप लोगों को भी गुस्सा आता है, परेशान रहते हो, ये आवाज़ बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। तो अगर आप लोग भी परेशान रहते हो, परेशान मतलब छोटे बच्चों के साथ, कोई फैमिली से परेशान, कोई अपने काम से परेशान, मतलब इंसान की ज़िंदगी में किसी न किसी वजह से इंसान परेशान रहता है। जैसे मैं हूँ, मेरे को कभी जुकाम हो जा रहा, कभी बुखार हो जा रहा, कभी बच्चा बहुत ज़्यादा झिकझिक करता है, तो हो ही जाता है ना, इंसान परेशान थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों में हो ही जाता है। और भगवान की दया से और सब कुछ बहुत अच्छा है, तो इस वजह से, तो इसलिए भगवद गीता सुननी चाहिए और जो कथाएँ होती हैं उनको ज़रूर सुनिए। इतना सुकून मिलता है ना, बहुत सुकून मिलता है। और बस मैं वही सुनती रहती हूँ, इसी वजह से मेरा नेट भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है और दिन भर रात भर मैं वही सुन रही हूँ। आनी के पापा कह रहे क्या सुनती रहती। मैंने कहा बस ऐसी, और जिससे इंसान को सुकून मिले, खुशी मिले, वो करना चाहिए, है ना। और फिर अकेले तो फिर ये हो जाता है रूम पे कि क्या करें। बच्चा जब घर में है तब वो बहुत ज़्यादा तंग करता है, फिर लगता है कि स्कूल ही ठीक है, फिर स्कूल जाता है तब लगता है यार घर में सूना सा लगता है। और इस वजह से मैं उनकी कथाएं, प्रवचन जो होते हैं वो सुनती रहती हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। और तो चलिए फिर फटक से मैं चाय पीती हूँ, उसके बाद मुझे रेडी होना है, रेडी मतलब कपड़े चेंज करूँगी, यहीं पे जाना है, बट फिर भी कपड़े तो चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि मेरे ये कपड़े बहुत गीले हो गए। अभी मैं जस्ट कपड़े धो के आई, तो मैं जब कपड़े धोती हूँ आधा से ज़्यादा मेरा जो पैजामा है, कुछ भी जो मैं पहनती हूँ, वो पूरा गीला हो जाता है पानी वगैरह से। और ये मेरा सलवार पूरा गीला हो गया, तो मैं उसके बाद चेंज करूँगी, फिर जाऊँगी हनी को लेने। और ये वाला वीडियो शायद मैं यहीं पे एंड करूँ, क्योंकि अगला जो व्लॉग है मैं थोड़ी देर में स्टार्ट करूँगी। आजकल रूटीन थोड़ा गड़बड़ सा हो गया है, और दिन मतलब सुबह के टाइम पे मेरा वीडियो आ जाता था, मेरा व्लॉग आ जाता था, बट आजकल या एक तो ये है कि तबीयत ठीक नहीं है, उस वजह से व्लॉग बनाने का भी मन नहीं कर रहा है, और जिस वजह से रूटीन थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब मैं इस टाइम पे अभी वीडियो को एडिटिंग करूँगी, फिर अपलोड करूँगी, और फिर आते आते वो 12:30 हो जाता है, 11:30 तक तो ये वीडियो आ जाएगा। और हाँ, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी देख रहे प्लीज़ एक लाइक करें, कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट करो ना करो लाइक करो, और प्लीज़ वीडियो पूरा देखा करो, सब्सक्राइब करो, है ना। कितना बोला वो इतना तो कर ही सकते हो आप लोग। तो चलिए फिर मैं पीती हूँ फटक से चाय, और फिर मुझे तैयार होना है।